ये कहानी है तीन प्यासी नर्स की जो चर्च में मौजूद एक आदमी के साथ रिलेशन बनाना चाहती है। अब उसे पाने के लिए वो क्या क्या करती है ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द लिटिल हावर्स और ये 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम सिस्टर फर्नांडा को देखते है जो एक गधे को पकड़ के वापस चर्च में आती है जहाँ वो सिस्टर जनवरा से मिलती है। जनवरा पूछती है कि तुम जंगल में क्यों गई थी, तो फर्नांडा कहती है कि मैं इस गधे को पकड़ने गई थी, पता नहीं क्यों लेकिन ये हमेशा भाग जाता है। अब यहाँ दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चर्च का माली लुड़को आता है और ये उन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ माँ बहन की गालियाँ ही मिलती है। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते है जो उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी। दरअसल वो चर्च में रह रहकर अब बोर हो गई थी, वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी और दुनिया देखना चाहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि उसके लिए कोई लड़का मिल ही नहीं रहा। वो कहते हैं कि लड़के वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं। ये सुनके अलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो दहेज के पैसे इकट्ठा हो सकते है, लेकिन उसके फादर इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं होते और वहाँ से चले जाते है। अगले दिन तीनों नर्स भुने हुए कपड़े लेकर जा रही थी, तभी ठरकी माली लुड़को उन्हें देख लेता है और उन्हें गंदी नजर से देखने लगता है। इस बात से गुस्सा होकर तीनों नर्स लुड़को को गंदी गंदी गालियां देती है। इतना ही नहीं, वो उसे मार मार के उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है। दूसरी तरफ हम फादर टोमासो को देखते है जो नर्स द्वारा बुने हुए कपड़े को बेचने जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लुड़को से होती है। लुड़को कहता है कि अब वो उस चर्च में काम नहीं करेगा। वो कहता है कि चर्च की नर्स उस पर बहुत जुल्म करती है, वो उसे गालियां देती है, यहाँ तक कि वो उसे पीटती भी है। अब यहाँ फादर टोमासो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते है। वो कहते है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम मत जाओ, लेकिन लुड़को उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते है जो अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठ कर डिनर कर रहा था। वो अपनी बीवी से बातें कर रहा था, पर यहाँ फ्रांसिस्का का पूरा ध्यान उसके नौकर मासेटो पर था क्योंकि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। रात को हम उन दोनों को बेड पर देख पाते हैं, जहाँ फ्रांसिस्का बताती है कि उसका पति ब्रूनो किसी काम का नहीं है और उसे कुछ होता भी नहीं है। अब यहाँ दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कमरे में ब्रूनो आ जाता है। इससे पहले कि वो देख पाता कि उसकी बीवी के साथ कौन था, मैसेटो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ब्रूनो को पूरा यकीन था कि वो आदमी उनके नौकरों में से कोई एक था, इसीलिए वो भाग के नौकरों के रूम में आता है जहाँ हम देखते हैं कि मैसेटो सोने का नाटक कर रहा है। अब ब्रूनो यहाँ सभी नौकरों की छाती पे हाथ रखता है, जिसके दिल की धड़कन तेज है वो ही अभी भाग के आया है। मासेटो के दिल की धड़कन तेज थी, पर रात होने की वजह से ब्रूनो उसका चेहरा पहचान नहीं पाता, तो वो मासेटो के थोड़े बाल काट देता है ताकि वो सुबह उसे पहचान सके, लेकिन ब्रूनो के जाते ही मासेटो उठता है और बाकी सभी नौकरों के बाल काट देता है। जब सुबह ब्रूनो उस नौकर को पकड़ने आता है तब उसे पता चलता है कि उसे चूतिया बनाया गया है। जब मासेटो अपना काम कर रहा था तभी वहाँ फ्रांसिस्का आती है और वो जबरदस्ती मासेटो से चिपकने लगती है। उन दोनों की ये हरकत छत पर खड़ा ब्रूनो देख रहा था। वो अपने सैनिकों को मासेटो को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन मैसेटो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जंगल में उसे फादर टोमासो मिलता है, वो नशे में चूर था, उसकी गाड़ी पलट गई थी और वो नदी में बह रहे अपने कपड़े बचाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ मासेटो उसकी हेल्प करता है। इस बात से खुश होकर टोमासो मासेटो को चर्च ले जाता है, लेकिन रास्ते में टोमासो उसे बताता है कि वहाँ तुम गूंगा बहरा होने का नाटक करना। अगली सुबह दोनों चर्च में पहुंच जाते हैं जहाँ टोमासो मासेटो को मारिया से मिलवाता है। मारिया तो पहले मासेटो को काम पर रखने से मना कर देती है, पर बाद में वो मान जाती है। अगले दिन जब मासेटो अपना काम कर रहा था तब फर्नांडा अचानक उसे देख लेती है। वो मासेटो के गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर बोलती है कि तुम कौन हो। अब यहाँ पर मासेटो की हालत पतली हो जाती है, पर तभी वहाँ मारिया आ जाती है और वो बताती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा बहरा है। अगले दिन जब मासेटो अपना काम कर रहा था तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा आती है और वो दोनों बातें करने लगती है। खैर गूंगा बहरा होने की वजह से वो बातें तो क्या ही करेगा। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंड्रा मासेटो के करीब आती है और उसे किस करने लगती है। मासेटो भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं, लेकिन तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। यहाँ जेनेवरा और फर्नांडा कपड़े धो रहे थे तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा आती है। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। तब वो बताती है कि वो मासेटो के गड्ढा खोदने में हेल्प कर रही थी। अब वो कौन से गड्ढे की बात कर रही थी ये तो उन्हें ही पता होगा। एक दिन जेनेवरा फर्नांडा और उसकी फ्रेंड मार्था को जंगल में जाती हुई देखती है, तो वो उनका पीछा करती है जहाँ वो देखती है कि दोनों बेलाडोना बना रही थी। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसका सेवन करने से मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। इसके लिए मार्था फर्नांडा की आंखों में सिरप की दो बूंदे डालती है और उसकी उंगली में कट लगा के उसके खून को पीने लगती है। ये सब जेनेवरा छुप के देख रही थी। इसके बाद ये दोनों मासेटो के घर जाते हैं जहाँ ये दोनों मासेटो पर टूट पड़ती है। इसे अट्रैक्ट करना नहीं, ये जबरदस्ती है। मासेटो भी अपना फर्ज निभाता है और ये दोनों अपना काम खत्म करके चली जाती है। अगली सुबह एक बिशप चर्च में आते हैं। टोमासो और मारिया उन्हें घुमाने लगते हैं। मौका देखकर मासेटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और उसके साथ रंगरेलिया मनाने लगता है।
लेकिन तभी उस कमरे में एक बूढ़ी नन आ जाती है। उस नन को देखकर मासेटो के मुंह से अरे मैया निकल जाता है। ये सुन के अलेक्जेंड्रा चौंक जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके उस नन की मदद करने लग जाती है, तो दूसरी तरफ मासेटो पलंग के नीचे छिप जाता है। वो मौका देखकर खिड़की से भागने ही वाला था कि तभी उस कमरे में बिशप मारिया और तोमस आ जाते हैं। तो मासेटो फिर से पलंग के नीचे छिप जाता है और जब सभी लोग चले जाते हैं तब वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जनवरा भी बेलाडोना बनाने लगती है, लेकिन वो उसे आंखों में डालने की बजाय पी लेती है और उसका सर चकराने लगता है। वो अपने हाथ में एक कट लगाती है और उस खून को अपने चेहरे पे लगाती है। यहाँ अलेक्जेंडर मास्टर के कमरे में जाती है और वो उसे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। अब उनकी बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ जेनेवरा आ जाती है। उसे देखकर अलेक्जेंडर भाग के कोने में छिप जाती है। दूसरी तरफ जेनेवरा नशे में चूर मास्टर पर टूट पड़ती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे कच्चा ही चबा जाएगी, लेकिन तभी वहाँ फर्नांडा आ जाती है, तो वो भी कोने में जाके छिप जाती है जहाँ वो अलेक्जेंडरा को देखती है और दोनों एक दूसरे की तरफ कूदने लगती है। फर्नांडा कमरे में आती है और बंदे को बंदी बनाकर जंगल में ले जाती है। ये देख के जेनेवरा और अलेक्जेंडरा उसका पीछा करती है। जहाँ जंगल में पहुँचकर वो देखती है कि बहुत सारी चुड़ैले आग जलाकर उसके चारों ओर नाच रही है और वहीं मासेटो भी बंधा हुआ पड़ा था। ये सब देख के वो दोनों समझ जाती है कि फर्नांडा उसकी बलि चढ़ाने वाली है। मार्था और फर्नांडा मासेटो को मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ जेनेवरा और अलेक्जेंडरा आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। मासेटो भी अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। दूसरी तरफ जेनेवरा भाग के चर्च पहुँचती है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बाहर बुलाती है। उसकी आवाज से बिशप भी उठ जाते हैं। जेनेवरा बिशप को बता देती है कि फर्नांडा एक डायन है। बिशप मारिया को बाहर बुलाते है। वो बाहर तो आती है पर उसके कमरे से तोमासो भी बाहर आता है। ये देख के सब समझ जाते हैं कि इन दोनों का भी अफेयर चल रहा है। अगली सुबह भी सबको सजा देती है। वो तोमासो को एक दूसरे चर्च में भेज देती है जिसमें सिर्फ मर्द ही रहते थे। वो मासेटो को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देती है, जहाँ ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। यहाँ तीनों नर्स को माफ तो कर दिया जाता है पर उन्हें मासेटो की बहुत याद आ रही थी। मासेटो जब काल कोठरी में बैठा था तब उसके पास ब्रूनो आता है। वो मासेटो से कहता है कि आने वाले कुछ दिनों में उस पर तरह तरह के टॉर्चर किए जाएंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कछुआ आता है और उसकी पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही थी। असल में उस कछुए को उन सिस्टर ने भेजा था ताकि वो सैनिकों का ध्यान खींच सके। जैसे ही वो सैनिक कछुए के पीछे जाते है तभी वो सिस्टर वहाँ के मासेटो को नन के कपड़े पहनाते है और उसे ले जाती है। जाते जाते वो मासेटो की जगह एक पुतला रख देती है। अब ये चारों आजाद थे तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। और उस रात उन्होंने क्या क्या किया होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।